गुरुग्राम का म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन तभी भी सो रहा था, उसकी आंखें नहीं खुली। मुंबई के कुछ शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को 1860 में बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का नो मैनिफेस्टो नो मीडिया कवरेज के एपिसोड नंबर 4 में। अगर अभी तक आपने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वो पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर लॉगिंग के बारे में। दोस्तों हमारे देश में वाटर लॉगिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ रोड पे पानी जमा हो जाता है जिसके वजह से बहुत देर तक ट्रैफिक जाम हो जाता है और पूरी लाइफस्टाइल ठप हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं करता। हमारे देश में अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है, शहर जल्दी जल्दी बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे टॉप शहर जैसे गुरुग्राम हो गया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये सब शहर पानी से डूबे रहते हैं जब बारिश होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश में वाटर लॉगिंग हो जाता है बड़े बड़े शहरों में, इसके वजह से वहां के सिटीजन को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि इसमें किसकी गलती है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वहां पर भी रोजाना अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन होता है, ये जो ड्रेन होता है ये बारिश का पानी नदियों तक लेके जाता है, और अधिकतर शहरों में ये ड्रेन होता है और ये ड्रेन का होना बहुत कंपलसरी है, और जहां पे ये ड्रेन नहीं होता है वहां पे जो बारिश का भी पानी होता है वो भी नाली में जाता है, जिसके वजह से जो हम पानी को बचाव कर सकते थे वो पानी भी नाली में चला जाता है, वो भी गंदा हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन को बनाया इसलिए जाता है ताकि हम बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकें और उसे नदियों तक पहुंचा सकें। आपको बता दें हमारे चेन्नई में 35% स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन खराब है, वो रेडी ही नहीं है कि वो बारिश के पानी को नदियों तक पहुंचा सके। दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का कनेक्शन सही से हम रिवर तक पहुंचा दें तो हम 80% वाटर बचा सकते हैं चेन्नई में। दोस्तों आपको पता ही होगा चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पे वाटर क्राइसिस आता रहता है, इसके बावजूद वहां पे 35% स्ट्रॉन्ग ड्रेन रेडी ही नहीं है कि वो बारिश के पानी को ले जाके नदी में कलेक्ट कर सके, जिसके वजह से जो पानी है वो रोड पे ही कलेक्ट होता है और वाटर लॉगिंग हो जाता है, वो सारे पानी बर्बाद भी हो जाते हैं। दोस्तों चेन्नई का एक ही फ्रेश वाटर लेक है, इसका नाम है विलाचेरी लेक, और इस लेक से बहुत ज्यादा पानी मिलता है चेन्नई को। आप देख सकते हैं 2018 में विलाचेरी लेक का क्या हाल था और 2019 में यहाँ पे कितना ज्यादा पानी लॉस हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें विलाचेरी लेक का साइज 250 एकड़ से घट के 55 एकड़ तक पहुंच गया 2019 में, तो आप देख सकते हैं इतना ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट इसके ऊपर चुप है, और सबसे बुरी बात यह है कि वहां की लोकल म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे में अगर आप ऐसा ड्रेन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाते हैं जो बारिश का पानी को रोड पे नहीं गिरने देता है बल्कि वो सीधा विलाचेरी लेक में जाके गिरा दे पानी को, तो आप सोच सकते हैं चेन्नई में कितना ज्यादा पानी मिल जाएगा और चेन्नई की वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोस्तों अभी रिसेंटली गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 में वाटर लॉगिंग हो गया, जिसके वजह से वहां पे हैवी ट्रैफिक समय देखने को मिला। दोस्तों नेशनल हाईवे 48 का ये हाल है जो गुरुग्राम जैसे शहर से पास होता है। दोस्तों एक रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 2019 में ही ये बात साफ कर दिया गया था कि नेशनल हाईवे 48 के सामने बहुत ही ज्यादा कूड़ा गार्बेजेस रखा गया है, नाली से निकाल के वहीं पे रख दिया गया, जिसके वजह से वाटर लॉगिंग भी हो सकता है, लेकिन तब भी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वहां का नहीं जागा। गुरुग्राम का म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन तभी भी सो रहा था, उसकी आंखें नहीं खुली। दोस्तों ये हालत है हमारे देश की सबसे हाईटेक शहरों का। अगर अब हम बात करें मुंबई की तो आपको बता दें मुंबई एक ऐसा शहर है जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट सिटी में माना जाता है, लेकिन वहां का ड्रेनेज सिस्टम सबसे खराब है। आपको बता दें वहां का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिशर्स के जमाने का है। मुंबई के कुछ शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को 1860 में बनाया गया था और आज भी हम वही ड्रेनेज सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों हमारे देश में ये कितनी बड़ी गलत बात है कि हमें ड्रेन का वैल्यू नहीं समझ में आता और हमें वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है, ये हो रहा है हमारे देश का भला। जहां पे हर एक शहर में वाटर लॉगिंग हो रहा है, कोई सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, वहां की म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं।
मुंबई जैसा शहर, दिल्ली जैसा शहर, हर जगह वाटर लॉगिंग हो रहा है, लेकिन तभी इस समस्या के ऊपर कोई मैनिफेस्टो नहीं मिल रहा, कोई मीडिया कवरेज नहीं बन रही है। दोस्तों, रोड मिनिस्ट्री को 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 91,823 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि हम रोड को सही कर सके। दोस्तों, इन पैसे से सरकार अच्छी रोड तो बनवाएंगी, लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि इससे रोड के सामने अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सिस्टम बनाए। अब दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सिस्टम का जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि रेन वाटर को कलेक्ट करता है और इसे रिवर तक पहुंचाता है, जिससे हमारे शहरों में वाटर क्राइसिस भी नहीं आएगा और वाटर लॉगिंग भी नहीं होगा। तो सरकार को स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम पूरे शहर में बनाना चाहिए, पूरे शहर के रोड पे बनाना चाहिए, गलियों में बनाना चाहिए, ताकि किसी भी रोड और किसी भी गली में वाटर लॉगिंग ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ गलती सरकार की नहीं है दोस्तों, और गलती हम लोग की भी होती है। दोस्तों, हम लोग कोई भी पैकेट को ड्रेन में फेंक देते हैं, ऐसे ही रोड पे गिरा देते हैं, जबकि हमारी सरकार चीख चीख के चिल्ला रही है कि स्वच्छ भारत रखिए, स्वच्छता रखिए, लेकिन उसके बावजूद हम बिस्किट का रैपर, कुरकुरे का रैपर या चिप्स का रैपर रोड पे गिरा देते हैं। हम रोड को एक डंपिंग ग्राउंड समझते हैं, वहां पे ही प्लास्टिक को गिरा देते हैं। इसके वजह से हवा चलने की वजह से वो सारे प्लास्टिक ड्रेन में चले जाते हैं और ड्रेन ब्लॉक हो जाता है। फिर म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का ध्यान नहीं जाता ड्रेन की तरफ, और जब बारिश होता है तो वहां पे पानी जो है वो ड्रेन के अंदर सही से जमा नहीं हो पाता, और जितना भी पानी रहता है वो बस रोड की तरफ आ जाता है, जिसके वजह से वाटर लॉगिंग होता है और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश का, और मैं इस वीडियो की मदद से आप तक यही नॉलेज पहुंचाना चाहता था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।